जीत ले हम सारी दुनिया। पीछे हमें अपने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो, छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने, सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आशा है कि आप सब ठीक हैं। क्या आप खुश हैं? क्या आप सब सुबह में पढ़ाई करते हैं और शाम को खेल कूद से मस्त रहते हैं? क्या हम इस सत्र की शुरुआत एक खेल से करें? इस खेल का नाम है छोटा घड़ा बड़ा घड़ा। आप सब अपनी जगह से उठकर खड़े हो जाएं। अगर मैं छोटा घड़ा कहूं तो आपको अपने हाथों को फैलाकर एक बड़ा घड़ा दिखाना है। जब मैं बड़ा घड़ा कहूं तो आपको अपने हाथों को थोड़ा नजदीक लाकर एक छोटा घड़ा दिखाना है। क्या आप समझ गए? जी हां, आपने ठीक समझा है। जो कहूं उसका उल्टा करना है। बड़ा कहूं तो छोटा बताना है। इस तरह खेलते हुए मैं जल्दी जल्दी बोलने लगूंगा और आपको भी मेरी गति के अनुसार अपने हाथ चलाने हैं। अगर आपने गलत किया तो आप बाहर हो जाएंगे। तो क्या हम शुरू करें? क्या सबको मजा आया? ठीक है, खेल खेलते समय आपको जो लगा उसके बारे में बात करते हैं। आपको खेल खेलते समय कैसा लगा? जब आप बाहर हो गए तब आपको कैसा लगा? आप सब जो खेल के अंत तक बाहर नहीं हुए, आपको कैसा लगा? आप अच्छा खेल रहे थे, पर जब किसी ने कहा कि आप बाहर हो गए हैं तब आपको कैसा लगा? जब हम जल्दी जल्दी खेल रहे थे तब यह सोचते हुए आपको कैसा लगा कि आप बाहर हो सकते हैं? क्या आप अब इन सवालों के जवाब देंगे? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको खेलते समय कैसा लगा तो कृपया करके यह जवाब मत दीजिएगा कि अच्छा लगा। आपको यह ठीक से बताना है कि अच्छा या बुरा क्यों लगा। जब मैंने बताया कि हम एक खेल खेलने वाले हैं तब आपको अच्छा लगा। आपको ऐसा क्यों लगा? क्योंकि आप उत्सुक थे। आप उत्सुक क्यों थे? क्योंकि आप खुश थे। अगर आप खुश थे तो यह कहना चाहिए कि खेलते समय मैं खुश था या खुश थी, न कि अच्छा लगा। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। जब मैं आपसे पूछूं कि बाहर होने पर आपको कैसा लगा तब आपको यह नहीं कहना है कि बुरा लगा। आपको यह बताना है कि बुरा क्यों लगा। बाहर होकर क्या आपको रोने का मन कर रहा था? आपको रोना क्यों आ रहा था? क्योंकि आप निराश थे कि आप और नहीं खेल सकते। अगर यह बात सही है तो आपको यह कहना है कि बाहर होने पर मैं बहुत निराश हुआ या हुई। समझ गए? जब आप सही तरीके से खेल रहे थे तब आप खुश थे। जब आप या आपका कोई दोस्त बाहर हो गया तो आप निराश हुए। सही खेलने के बावजूद जब किसी ने कहा कि आप बाहर हो गए
तो आपको गुस्सा आया, आपको यह डर था कि खेल जब जल्दी जल्दी खेला जाएगा तो शायद आपसे गलती हो जाएगी और आप बाहर हो जाएंगे। जब आप अंत तक बाहर नहीं हुए तो आपको खुद पर गर्व हुआ। ठीक है, मैं आपको कुछ शब्द बताता हूं। आम, सेब, केला, संतरा। अगर मैं आप सबसे पूछूं कि ये सब क्या है तो आप क्या कहेंगे? जी हां, ये सब फल है। तरह तरह के फलों के लिए फल शब्द का इस्तेमाल होता है और सब्जियों के लिए सब्जी शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह क्या हम नीचे दिए गए शब्दों को भी एक नाम दें? मजा, चिंता, अपमान, आश्चर्य, डर, गर्व, गुस्सा, खुशी, ये कुछ मूल भावनाओं के नाम हैं, जिन्हें हम सभी महसूस करते हैं। रोजमर्रा के जीवन में हम सभी इन भावनाओं को महसूस करते हैं। इन भावनाओं का असर हमारे काम पर भी पड़ता है। क्या हम इन भावनाओं के बारे में एक गीत गाएं? कृपया गीत गाने के लिए खड़े हो जाएं। शाखा देख लता को जैसे जगे भावना, मिलन की जगे भावना, हमको जगे भावना। शाखा देख लता को जैसे जगे भावना, मिलन की जगे भावना, हमको जगे भावना। खुश देख खुश होना, खुश बस जाय, खुशी बस जाय, मन में खुशी बस जाय। क्रोध देख क्रोध आए, क्रोध खोले, क्रोध खोले, मन में क्रोध खोले। शाखा देख लता को जैसे जगे भावना, मिलन की जगे भावना, हमको जगे भावना। अद्भुत मुख देख आश्चर्य बढ़े, मन में आश्चर्य बढ़े। भयभीत मुख देख भयभीत होत, भयभीत होत, मन भयभीत हो। शाखा देख लता को जैसे जगे भावना, मिलन की जगे भावना, हमको जगे भावना। आनंदित मुख देख आनंद खिले, मन में आनंद खिले। चिंतित मुख देख चिंता लगे, मन को चिंता लगे। शाखा देख लता को जैसे जगे भावना, मिलन की जगे भावना, हमको जगे भावना। शाखा देख लता को जैसे जगे भावना, मिलन की जगे भावना, हमको जगे भावना। धन्यवाद। इस गीत से आपको क्या संदेश मिला? भावनाएं बहुत जल्दी फैलती हैं। हम जो भी महसूस करते हैं वह दूसरों को तुरंत पता चल जाता है। जब हम प्रसन्न होते हैं तो दूसरे भी हमारे साथ प्रसन्न रहते हैं और एक खुशी का माहौल बन जाता है। उसी तरह जब हम गुस्सा होते हैं तो औरों को भी गुस्सा आने लगता है। क्या हम अगले कार्य की ओर बढ़े? क्या हम देखें कि हम मजा, चिंता, अपमान, आश्चर्य, डर, गर्व, गुस्सा, खुशी की भावनाओं को कैसे व्यक्त करते हैं? प्रत्येक भावना को व्यक्त करने के लिए मुझे एक छात्र चाहिए। आप स्वेच्छा से आ जाएं। अपने चेहरे के द्वारा आपको यह भावना दिखानी है। जो भावना किसी छात्र ने दर्शा दी हो
वह दूसरे छात्र को दोहरानी नहीं है। सामने बैठे छात्रों को दिखाई गई भावना पहचाननी है, ठीक है? धन्यवाद, आप सभी ने बहुत अच्छा किया। हमने देखा कि इन सभी छात्रों ने भावनाएं व्यक्त करने के लिए शब्दों की जगह चेहरे के भावों का और इशारों का इस्तेमाल किया। हमारा शरीर, खास तौर पर हमारा चेहरा, यह बता देता है कि हमें कैसा लग रहा है। क्या हमने यह कहावत नहीं सुनी, तुम्हारे चेहरे पर लिखा है? एक उदाहरण देता हूं। आप स्कूल से घर वापस आ रहे हैं। घर में घुसते ही आप अपने पापा को देखते हैं, जो काम के सिलसिले में लंबे समय के लिए बाहर गए हुए थे। पापा लौट आए हैं और आपका इंतजार कर रहे हैं। आपका चेहरा कैसा दिखेगा? आपका चेहरा खुशी से चमक उठेगा, है कि नहीं? आप जो भी महसूस करते हैं वो चेहरे पर जाहिर हो जाता है। मजा, चिंता, अपमान, आश्चर्य, डर, गर्व, गुस्सा, खुशी, इन सब भावनाओं को हम कई परिस्थितियों में अनुभव करते हैं। इन भावनाओं के कुछ परिणाम भी होते हैं। कुछ भावनाओं की वजह से हमें और हमारे पास रहने वाले लोगों को नुकसान पहुंच सकता है। मैं चाहता हूं कि आप उन भावनाओं को पहचानें जिनसे हमें और हमारे पास के लोगों को अच्छा महसूस होता है और कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। अपनी नोटबुक में ऐसी भावनाओं की एक सूची बनाइए। उदाहरण के लिए, आपके जन्मदिन पर जब आपको कोई हार्दिक शुभकामनाएं देता है तो आप दोनों को अच्छा लगता है। क्या आप ऐसी भावनाओं की सूची बना सकते हैं? कुछ देर पहले हमने जिन 8 भावनाओं के बारे में बात की थी, आपको उनमें से यह सूची बनानी है। खुशी, मजा, आश्चर्य, गर्व। खुशी, मजा, आश्चर्य और गर्व सुखद भावनाएं हैं, इसीलिए इन्हें सकारात्मक भावना कहा जाता है। इन भावनाओं को अकेले महसूस करने पर उतना आनंद नहीं आता जितना कि दूसरों के साथ रहकर महसूस करने में आता है। आइए एक कार्य करते हैं। आप जोड़े बनाकर बैठ जाएं, फिर इस बारे में बात करिए कि किन परिस्थितियों में आपको खुशी मिलती है और आप अपनी खुशी कैसे व्यक्त करते हैं। बाद में आप में से 2-3 लोग कक्षा के सामने अपनी बात बताने आ सकते हैं। क्या आप यह करेंगे? अपनी भावनाओं के बारे में खुलकर बताने के लिए शुक्रिया। आपने अच्छी तरीके से बताया कि किन चीजों से आपको खुशी मिलती है और आप अपनी खुशी कैसे जाहिर करते हैं। इन परिस्थितियों में आप खुश रहते हैं। खुशी व्यक्त करने का तरीका: कोई खेल जीतना, चिल्लाना, दोस्तों के साथ सैर करने जाना, चीखना, चिल्लाना, अच्छे अंक प्राप्त होना, मुस्कुराना, हंसना, कोई पुरस्कार या इनाम मिलना, चीखना, चिल्लाना, प्रशंसा, सम्मान प्राप्त होना, मुस्कुराना। जब आप कोई खेल जीतते हैं या आप घूमने फिरने जाते हैं या फिर आपको कोई पुरस्कार या इनाम मिलता है, तब आप चीख कर या चिल्ला कर अपनी खुशी जाहिर करते हैं। जबकि सम्मानित किए जाने पर
या अच्छे अंक प्राप्त होने पर आपकी खुशी व्यक्त करने के लिए हंसते या मुस्कुराते हैं। आजकल चीख कर और चिल्ला कर खुशी जाहिर करना एक आदत सी बन गई है। ऐसा करने से उन लोगों को तकलीफ हो सकती है जो ध्यान लगाकर किसी काम में जुटे हुए होते हैं। इससे दूसरे लोगों को परेशानी भी हो सकती है। कभी कभी चिल्लाने की आवाजें सुनकर लोगों को आघात भी पहुंच सकता है। आमतौर पर यह उचित रहता है कि आप बिना चीखे चिल्लाए अपनी खुशी व्यक्त करें। खेल के मैदान में चीखना ठीक होता है, पर अन्य परिस्थितियों में शोर न मचाना ही बेहतर होता है। अब से अपनी खुशी जाहिर करने के लिए क्या आप दूसरों को परेशान करेंगे और चीखेंगे चिल्लाएंगे? हमें चिल्लाकर या चीखकर अपनी खुशी जाहिर नहीं करनी चाहिए, इससे दूसरों को तकलीफ पहुंच सकती है। क्या आपको कोई संशय है? कृपया मुझे बताएं। कुछ लोग दूसरों को चिढ़ाकर या उनका मजाक उड़ाकर खुश होते हैं। यह सकारात्मक कैसे हो सकता है? क्या यही आपका सवाल है? बहुत बढ़िया। किसी को चिढ़ाना या उसका मजाक उड़ाना बहुत बुरा और रूखा व्यवहार होता है। हंसी केवल खुशी या प्रसन्नता नहीं दर्शाती। जब हम किसी का मजाक बनाते हैं तब भी हम उस पर हंसते हैं। यह हंसी खुद को ऊंचा दिखाने के लिए होती है। कभी कभी हम लज्जित होने पर भी हंसते या मुस्कुराते हैं। उदाहरण के लिए, हम अपना नया पेन किसी को दिखाकर उत्साह से पूछते हैं, यह बढ़िया है ना? अगर वह व्यक्ति आपका मजाक उड़ाते हुए हंसे तो आपको तकलीफ होती है ना? ऐसी हंसी से परेशानी होती है। किसी व्यक्ति को नीचा दिखाकर उस पर हंसना अप्रिय और अपमानजनक होता है। ऐसी हंसी लोगों को मिलाती नहीं है, बल्कि अपने बीच में दरार पैदा करती है। इससे आपसी संबंध बिगड़ते हैं। जब हम लोगों के साथ मिल बांटकर रहते हैं और उनका ध्यान रखते हैं तो उससे हमें संतोष प्राप्त होता है और हमें खुशी मिलती है। क्या आपने कभी किसी का मजाक उड़ाया है या उसे नीचे दिखाने की कोशिश की है? मुझे यकीन है कि कभी ना कभी हम सब ने ऐसा जरूर किया होगा। ऐसा करने पर दूसरे व्यक्ति को कैसा लगा होगा? इसी तरह किसी ने आपका भी मजाक उड़ाया होगा, तब आपको कैसा लगा? क्या आप अपने दोस्तों के साथ जोड़ी बनाकर इस बारे में बात करेंगे? इस बारे में खोलकर बात करने के लिए शुक्रिया। क्या अब आप किसी का मजाक उड़ाएंगे या उसे नीचा दिखाएंगे? मुझे यकीन है अब आप समझ गए हैं कि ऐसा करने से कितनी तकलीफ होती है। किसी को नीचा दिखाने से रिश्ते बिगड़ते हैं, सच्ची खुशी से दिल मिलते हैं। मिल बांटकर रहने और एक दूसरे का ध्यान रखने से ही खुशी मिलती है। आइए फिर से कहें, किसी को नीचा दिखाने से रिश्ते बिगड़ते हैं, सच्ची खुशी से दिल मिलते हैं, मिल बांटकर रहने और एक दूसरे का ध्यान रखने से ही खुशी मिलती है। चाहे किसी का मजाक उड़ाया गया हो या फिर किसी को चिढ़ाया गया हो, इससे सामने वाले को बहुत तकलीफ पहुंचती है। ऐसा करने वाले लोगों को कुछ देर के लिए मजाक आता होगा, पर इससे सच्ची खुशी कभी नहीं मिल सकती। मान लीजिए आपके दोस्त को हर बात में अच्छा अच्छा कहने की आदत है,
अगर आप कुछ दोस्तों के साथ उसे अच्छा अच्छा का नाम देकर चिढ़ाएंगे तो क्या आपके दोस्त को तकलीफ नहीं पहुंचेगी? किसी को चिढ़ाकर जो मजा आता है उससे सच्ची खुशी नहीं मिलती। इससे आप और आपके दोस्त के बीच का रिश्ता बिगड़ सकता है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए और तकलीफ पहुंचाने वाले कोई काम नहीं करने चाहिए। ऐसी घटनाएं याद करने की कोशिश कीजिए जब आपने किसी को चिढ़ाया हो और जब किसी ने आपको चिढ़ाया हो। क्या आप इस बारे में दूसरों को बता सकते हैं? कृपया दो छात्र स्वेच्छा से सामने आए। क्या अब आप किसी को चिढ़ाएंगे? मुझे आशा है कि अब आप ऐसा नहीं करेंगे। दूसरों का मजाक उड़ाने और उनकी अहानिकारक आदतों के बारे में याद दिलाने से उन्हें तकलीफ पहुंचती है। नीचा दिखाने की तरह छोटी छोटी बातों पर चिढ़ाने से भी रिश्तों में कड़वाहट आती है। आइए यह फिर से कहें। दूसरों का मजाक उड़ाने और उनकी अहानिकारक आदतों के बारे में याद दिलाने से उन्हें तकलीफ पहुंचती है। नीचा दिखाने की तरह छोटी छोटी बातों पर चिढ़ाने से भी रिश्तों में कड़वाहट आती है। क्या आप यह सोच रहे हैं कि हंसी या मुस्कुराहट से हम लज्जित होने की भावना कैसे छुपा सकते हैं? आइए एक उदाहरण देखें। आपकी छुट्टियां चल रही है और आप कमरे में बैठकर टीवी पर अपना पसंदीदा कार्यक्रम देख रहे हैं। आपकी माँ को कुछ मदद चाहिए, वह आपको बुला रही है। आप बहुत व्यस्त हैं और उसे कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। वह गुस्से में है और कमरे में आकर जोर से कहती है, क्या तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? भगवान जाने तुम अपनी जिम्मेदारियां कब समझोगे। अब से किसी भी काम के लिए मेरे पास मत आना। अभी माँ अपनी बात कह ही रही थी कि आपका दोस्त आपको खेलने के लिए बुलाने आ जाता है। माँ हमेशा खुशी से आपके दोस्तों का स्वागत करती है, पर आज वह आपके दोस्त से बात किए बिना कमरे से चली जाती है। आप लज्जित महसूस कर रहे हैं क्योंकि आपके दोस्त ने ऐसे समय पर आकर यह सब देख लिया। जब आपका दोस्त पूछता है कि क्या बात हुई है, तो आप बात छिपाने के लिए हंसते मुस्कुराते हुए कहते हैं, कुछ भी नहीं। लज्जित होने की भावना को छिपाने वाली हंसी से क्या आपको खुशी मिलती है? क्या आप ऐसी कोई घटना के बारे में कक्षा के सामने बता सकते हैं? धन्यवाद। हम अपनी सारी भावनाएं दूसरों के साथ नहीं बांट सकते। हंसकर या मुस्कुराकर हम आसानी से लज्जित होने की भावना को छुपा सकते हैं। लज्जित होने की भावना को दूसरों से छुपाने के लिए जब हम हंसते हैं तो हमें खुशी नहीं मिलती। एक और तरह की हंसी भी होती है। आप बहुत दिनों बाद अपने चाचा जी से मिलते हैं। वे यह देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि आप कितने लंबे हुए हैं। चाचा जी कहते हैं, आप तो अब नवयुवक युवती की तरह दिखने लगे हैं। यह सुनकर आपको प्रसन्नता होती है और आप शर्माकर मुस्कुरा देते हैं। क्या आप दोनों आगे आकर कोई ऐसी घटना बता सकते हैं जब आप शर्माकर मुस्कुराए थे? शुक्रिया। जब कोई हमारी तारीफ करता है या हमें देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है
या फिर अहानिकारक मजाक करता है तो हम अक्सर शर्मा के मुस्कुरा देते हैं। आइए साथ में कहें, जब कोई हमारी तारीफ करता है या हमें देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है या फिर अहानिकारक मजाक करता है तो हम अक्सर शर्मा के मुस्कुरा देते हैं। इससे किसी को तकलीफ नहीं पहुंचती और जिसकी तारीफ हुई है उसे अच्छा लगता है। जो लोग हमेशा दूसरों को हंसाते रहते हैं हम उन्हें क्या कहकर बुलाते हैं? हाँ, हम जोकर कहकर उनका मजाक उड़ाते हैं। एक कहावत है, किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती। यही बात हंसी मजाक के लिए भी लागू होती है। हंसी मजाक स्वाभाविक होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिससे किसी को तकलीफ ना पहुंचे। जब कोई खुद को और दूसरों को खुश रखने के लिए हर वक्त मजाक करता रहे तो लोग उसे जोकर कहते हैं। हंसी मजाक तभी अच्छा लगता है जब वक्त, जगह और माहौल सही हो। आइए फिर से कहें, हंसी मजाक तभी अच्छा लगता है जब वक्त, जगह और माहौल सही हो। हमने खुशी के बारे में बात की थी, आइए अब मजा उठाने के बारे में बात करें। आइए एक मजेदार कार्य करें। मैं चाहता हूं कि आप में से कुछ लोग हंसी मजाक करने के ऐसे उदाहरण दें जिससे किसी को कोई तकलीफ ना पहुंचे। मजाक तभी अच्छा लगता है जब उसमें किसी को छेड़ना, चिढ़ाना, तकलीफ पहुंचाना, नीचे दिखाना या परेशान करना शामिल ना हो। इस प्रकार के हंसी मजाक में आपने क्या देखा? इससे किसी को भी तकलीफ नहीं पहुंचती। हम मजे के लिए बीरबल, तेनाली रामन और मुल्ला नसीरुद्दीन की कहानियां पढ़ सकते हैं। हमें अच्छी भावना से ही हंसी मजाक करना चाहिए ताकि किसी को भी परेशानी ना हो। क्या हम अगली सकारात्मक भावना आश्चर्य के बारे में बात करें? जब अचानक कोई अच्छी घटना घटती है तो हमें आश्चर्य होता है। ऐसी घटना घटने पर हमें लगता है, क्या यह सच है, यह सच में, इत्यादि। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए कि आप छुट्टियां बिताने के लिए किसी दूसरे शहर में रह रहे अपने चाचा जी के पास गए हैं। शाम को बाजार में घूमते वक्त आप अपने सहपाठी से टकरा जाते हैं। उस समय आप हैरान होकर यह सोचते हैं कि वह भी इस शहर में कैसे आ गया। यह आश्चर्य की भावना है। एक और उदाहरण, आपको लगा कि आपने अपना विज्ञान का पेपर ठीक से नहीं किया था। आपको पता है कि आप पास तो हो जाएंगे पर अच्छे अंक आने की उम्मीद नहीं थी। जब आपको अपना पर्चा वापस मिला तो आपने देखा कि 80 अंक आए हैं। इस समय आप जो अनुभव करते हैं वह आश्चर्य की भावना है। मुझे यकीन है कि जीवन में कभी ना कभी हम सबको किसी बात पर आश्चर्य हुआ है। क्या आप में से कोई दो छात्र स्वेच्छा से आकर सबके सामने इसके बारे में बताएगा? शुक्रिया। अब हम अगली सकारात्मक भावनाओं के बारे में बात करेंगे, जो है गर्व और संतुष्टि। जब हम कोई काम बहुत अच्छी तरीके से करते हैं तब हमें गर्व और संतोष होता है। उदाहरण के लिए अपने गृह कार्य में दिए गए सभी सवाल हल कर लिए हैं। अगले दिन जब शिक्षिका पूछती है
कि कितने लोगों को सही जवाब मिले हैं, तब पता चलता है कि केवल आपको सारे सही जवाब मिले हैं। फिर जब शिक्षिका और दूसरे छात्र आपकी सराहना करते हैं, तब आपको गर्व महसूस होता है और आपको संतुष्टि मिलती है ना। एक और उदाहरण देता हूं। पूरे साल आपने फिजूल खर्चे बंद करके कुछ पैसे बचाए, जिनसे आप जरूरत की कुछ किताबें खरीद सके। आपकी माँ तारीफ करते हुए जब यह बात आपकी बुआ को बताएगी, तो आपको गर्व महसूस होगा या नहीं? कृपया आप में से कोई स्वेच्छा से किसी घटना के बारे में बताएं जब आपको गर्व और संतुष्टि का अनुभव हुआ हो। आगे आ जाइए। हमने आज जो भी सीखा, क्या हम एक बार फिर से उसे संक्षिप्त में देख लें? कृपया एक के बाद एक सभी मुख्य बातें बताते जाइए। मजा, चिंता, अपमान, आश्चर्य, डर, गर्व, गुस्सा और खुशी कुछ ऐसी भावनाएं हैं जिन्हें हम सभी महसूस करते हैं। खुशी, मजा, आश्चर्य और गर्व सकारात्मक भावनाएं हैं जिनसे हमें अच्छा लगता है। किसी को अपमानित करके हंसना, नीचा दिखाना, चिढ़ाना, मजाक बनाना, इन सब बातों से सच्ची खुशी नहीं मिलती है। हमारी खुशी से किसी को भी तकलीफ या परेशानी नहीं पहुंचनी चाहिए। इसे हंसी मजाक तभी अच्छा लगता है जब वक्त, जगह और माहौल सही हो। जब हमारे साथ अचानक कोई अच्छी घटना घटती है, तो हमें आश्चर्य का अनुभव होता है। जब हम कोई काम बहुत अच्छी तरह करते हैं, तब हमें गर्व और संतुष्टि का अनुभव होता है। बढ़िया। क्या हम एक कार्य करें ताकि हमें ये सारी बातें हमेशा याद रहें? मेरे पास दो प्रश्न हैं, जिनके कुछ उत्तर भी दिए गए हैं। हर प्रश्न के लिए वह उत्तर चुनें जो आपके हिसाब से सबसे उचित हो। प्रश्न एक, आपने एक इनाम जीता है जिसके लिए लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, आप उनसे क्या कहेंगे? जवाब, अ, यह मेरी काबिलियत को दर्शाता है, ब, मैंने कर दिखाया। प्रश्न दो, आपने अपने दोस्त को कुछ गणित के सवाल दिखाए, वही सवाल परीक्षा के पेपर में भी आ गए, इस पर आप क्या कहेंगे? जवाब, अ, मैं नहीं जानता या जानती था या थी कि मैं महत्वपूर्ण सवालों के बारे में इतना अच्छा अनुमान लगा सकता या सकती हूं। ब, मेरा दोस्त आसानी से परीक्षा पास कर लेगा। अगली क्लास में मिलने से पहले क्या आप यह कार्य पूरा करके आएंगे? हम फिर मिलेंगे। नमस्ते छात्रों, आशा है कि आपने कार्य पूरा कर लिया होगा। क्या हम आगे बढ़ें?
प्रश्न एक, आपने एक इनाम जीता है जिसके लिए लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, आप उनसे क्या कहेंगे? यह जवाब, यह मेरी काबिलियत को दर्शाता है, बताता है कि आप गर्व और संतुष्टि की भावना अनुभव कर रहे हैं। मैंने कर दिखाया, मैं खुशी की भावना झलकती है। आपका जवाब क्या है? प्रश्न दो, आपने अपने दोस्त को कुछ गणित के सवाल दिखाए, वही सवाल परीक्षा के पेपर में भी आ गए, इस पर आप क्या कहेंगे? यह जवाब, मैं नहीं जानता या जानती था या थी कि मैं महत्वपूर्ण सवालों के बारे में इतना अच्छा अनुमान लगा सकता या सकती हूं। आश्चर्य की भावना दर्शाता है। दूसरा जवाब, मेरा दोस्त आसानी से परीक्षा पास कर लेगा, बताता है कि अपने दोस्त की सही मदद करके आप संतुष्ट हो। आपका जवाब क्या है? क्या हम अगली क्लास की ओर बढ़ें?